my duties as Prime Minister. नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हमेशा की तरह हम हाजिर है आपके सामने लेकर एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे पर आपको बोलना है, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा है आपसे, हमसे, अर्थात हमारे देश से। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के प्रधानमंत्री को सलाखों के पीछे भेजने से भी बड़ी सजा दी है। जिस लोकतंत्र में पिछले 62 सालों में किसी की जिम्मेवारी तय नहीं की, उस मुद्दे पर हाथ रखते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जिस देश में धारा 44 तोड़ने के लिए जेल के पीछे जाना पड़ता है, सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, उस देश में इतने बड़ी गलती के लिए कौन जिम्मेवार है, और अगर प्रधानमंत्री नहीं तो जिम्मेवारी किसकी बनती है। प्रधानमंत्री के लिए यह पहला तमाचा नहीं है। मनमोहन सिंह इस देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको न्यायालय में शपथ पत्र देना पड़ा था। इतनी खराब स्थिति देश के जाने माने तबके जो नेता है उनके जीवन में कभी नहीं आई, और देश के अनजाने जो प्रधानमंत्री है, वो देवेगौड़ा हो, गुजराल हो, उनके जीवन में भी कभी नहीं आई। देश के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के लिए यह जिम्मेवारी पूछी गई है, और देश भी और न्यायालय भी यह मानता है कि मनमोहन सिंह फेल हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मनमोहन सिंह इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। तो मनमोहन सिंह नहीं तो कौन, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल पे सबसे इससे भी बड़ा सवाल पड़ता है, खास करके भारत जैसे देश में, वो है नैतिकता का। हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके लिए वहां के शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, अलग से समय निकाला जाता है, लेकिन देश के सर्वोच्च स्कूल में, संसद में, सरकार में कोई नैतिकता का पाठ नहीं है। क्या मनमोहन सिंह उस विराट परंपरा का अपमान नहीं करें? आपको याद होगा देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहले जब रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्री होते हुए उनके मंत्रालय के कार्यकाल के समय में एक रेल का एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने रेलवे मंत्री पद से अपना इस्तीफा दिया। यही नैतिकता एक बड़ा कारण बनी उनके आगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन आजकल नैतिकता जैसे खत्म हो रही है, फिर भी देश मनमोहन सिंह को कह रहा है कि इस उदार और श्रेष्ठ नैतिकता का उदाहरण दीजिए और इस्तीफा दीजिए। क्या कहना है आपका, आप हमें बता सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। थोड़ी देर में हम आपके कॉल लेना शुरू करेंगे, उसके पहले नजर डालते हैं पूरे मुद्दे पर। स्वतंत्र भारत में पहली बार देश के प्रधानमंत्री पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इतने सारे सवाल उठाए। आखिर न्यायालय के कहने के बावजूद भी सरकार के मुखिया की कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं, इस सवाल पर कांग्रेस प्रधानमंत्री को दोषी नहीं मानती। ऐसे में फिर दोषी कौन है? अगर इतने बड़े घोटाले, घपलों और गलत निर्णयों के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, तो देश भर की जेलों में बंद छोटे छोटे आरोपियों को क्यों लंबे समय तक सड़ाया जाता है? देश हर नागरिक की जिम्मेवारी है तो प्रधानमंत्री की क्यों नहीं? स्वतंत्र भारत में पहली बार प्रधानमंत्री को कोर्ट में शपथ पत्र देना पड़ा, और अब इतनी गंभीर टिप्पणी के बावजूद अगर प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देंगे तो कब देंगे? क्या आज से भी खराब और बद से बदतर स्थिति की प्रतीक्षा हो रही है? आखिर मनमोहन जी के नैतिकता में ऐसी क्या स्थिति है जब वह इस्तीफा पेश करेंगे, या वह किसी असंवैधानिक या अनैतिक व्यक्ति के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या नैतिकता का शब्द ही उनके शब्दकोश में नहीं है? मनमोहन सिंह की अपनी सोच, विचार, मान्यताएं हो सकती है, उनका नैतिक स्तर भी अलग हो सकता है, किंतु प्रधानमंत्री पद का सर्वोच्च स्तर होना चाहिए। जैसे उस पद का सर्वोच्च सम्मान है, अधिकार है, वैसे ही नैतिक मर्यादा भी सर्वोच्च होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है कि मनमोहन सिंह अगर इस स्थिति में इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या इससे भी खराब स्थिति की प्रतीक्षा करें? क्या हो सकती है वो स्थिति? देश में बड़ा सवाल। इस सवाल के जवाब में पहले कॉलर हमारे अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बात कर। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नरेश प्रताप बोला, पानीपत हरियाणा से। बोलिए नरेश जी, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो आपने ये मुद्दा उठाया कि आप प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात आपने करेक्ट है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इस बारे में इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री ने अभी तक अपना इस्तीफा पेश नहीं किया है, क्या कहेंगे? वो क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए ये बात आपको माननी पड़ेगी, वो खुद के बनाए हुए प्रधानमंत्री नहीं है, किसी पार्टी के भी, वो एक आदमी के बनाए प्रधानमंत्री है, वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी के बनाए प्रधानमंत्री है वो। बिल्कुल, मतलब जब तक सोनिया जी तय नहीं करेगी इस्तीफा नहीं होगा।
नहीं होगा, वो एक मोहरा है, वो प्रधानमंत्री नहीं है। ये बात विपक्ष की जो मुद्दा उठाया था विपक्ष ने कि प्रधानमंत्री कमजोर है, ये बात सटीक बैठती है कि वो वक्त में कमजोर है, वो देश का नेतृत्व करने के लायक नहीं है। मैं तो एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे तो एक ये देश के लिए मान सम्मान के और गर्व की बात होगी, वरना आने वाले वक्त में ऐसा वक्त आएगा वो खुद ही इस्तीफा दे देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी प्रकार देश से संतुष्ट नहीं कर सकते, जनता के पूरी मतलब नीतियों से खरा नहीं उतर सकते, वो वक्त में कमजोर अनपढ़ और ये लगा लो एक बहुत ही मतलब एनएसी कार्य कर रहे हैं। और ये दूसरा मुद्दा आपने जो उठाया है कि थॉमस वाला, थॉमस को तो इस्तीफा बहुत दिन पहले दे देना चाहिए था, वो एक ऐसा कार्य था जो एक एनएसिक तौर पर पार्टी ने और सरकार ने मिलकर दोनों ने किया, वो कार्य था अपने सामान्य पदों पर सौंपने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। पानीपत से नरेश प्रताप बात कर रहे थे। एक एसएमएस आया है, गुवाहाटी आसाम से, इसमें कहा गया है कि मनमोहन सिंह अपने मन से, खुद प्रधानमंत्री भले ही ना बने हो, कम से कम इस्तीफा तो अपने मन से दे दे। नाम ने लिखा है गुवाहाटी से एसएमएस है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम अगला एमएमएस लेते हैं, कहां से है देखते हैं क्या प्रतिक्रिया देता है एमएमएस। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जितने घोटालों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, चारों तरफ से उन्हें फटकार ही मिल रही है और वो अपने मंत्रियों पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, चाहे वो ए राजा हो या कोई और। लगातार घोटालों की भरमार में सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कड़ी फटकार सुननी पड़ रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपने पद पर लगातार बने हुए हैं, क्या नैतिकता के आधार पर ये सही है? उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर कोई भी उनकी जगह। मैं एक वाक्य याद दिलाऊंगा माधवराव सिंधिया जी का, जिन्होंने जब वो उड्डयन मंत्री थे तो एक विमान दुर्घटना होने के बाद जब वो वहां पर गए, पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। तो नैतिकता इस प्रकार होती है कि अपनी कमियों को पहचानना। अब भी एमएमएस भेज सकते हैं अपने मोबाइल में, अगर वीडियो कैमरा लगा है तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करिए और उसको एमएमएस के फॉर्मेट में हमको भेज दीजिए। आप अपना वीडियो ईमेल भी कर सकते हैं, ये सबसे आधुनिक तरीका है और सुदर्शन एकमात्र चैनल है जो देश में एमएमएस के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया सुदर्शन के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाने का मौका देता है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। नमस्कार, चांदना बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सुरेश जी, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे 2 मिनट एक्स्ट्रा देंगे पूरी बात कहने के लिए। चलिए थोड़ा जल्दी समेटिए क्योंकि आपको पता है कि देश भर के लोग अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हाँ जी, तो मेरा ये कहना है कि हाँ, प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तो है ही, जिससे जनता त्रस्त है। इसके अतिरिक्त अभी हाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारे देश की सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री देश को ठीक तरह से चलाने में अयोग्य सिद्ध हुए हैं। पहली बात तो सरकार द्वारा किए गए घोटालों की हीले, खासकर स्पेक्ट्रम G2 घोटाले की, ये घोटाला संचार मंत्रालय से संबद्ध था। इस मंत्रालय के मंत्री का ये कहना है कि सभी निर्णय PMO की सहमति से लिए गए। बिल्कुल, राजा ने सीधे आरोप लगाया था। विपक्ष के जोरदार आंदोलन के कारण CBI की जांच दी गई, पर CBI कोई ऐसी रिपोर्ट न दे जिससे सरकार या मंत्रियों या प्राइम मिनिस्टर पर कोई आंच आए, इसलिए CBI के ऊपर के अधिकारी के पद पर ऐसे आदमी की को बिठाया गया जिससे CBI को सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देने का अनिवार्य हो। श्री थॉमस को CBI के पद पर नियुक्ति की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। थॉमस के CBC के पद पर व्यक्ति का एक और कारण भी था, क्योंकि केरल में अभी हाल में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वहां के ईसाई मतदाताओं को अपनी तरफ ले जाने के लिए ये पग उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इसको बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम दिया है, धन्यवाद कॉल करने के लिए। चांदना जी आगरा से बात कर रहे थे, आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। सुदर्शन बिंदास बोल में अब बेखौफ होकर बोलने वाले लोगों के लिए मंच मुहैया कराता है और यही मंच है देश में एकमात्र जिस पर आप आपकी मन की बात कह सकते हैं। एक और कॉलर, हेलो राकेश। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए, आप लाइव में जुड़े हैं। जी सर, भारत के प्रधानमंत्री जो है माननीय मनमोहन सिंह जी, ये बहुत अच्छे पदों में है सर, ये भारत देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं मनमोहन सिंह जी, तब से खाली देश घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं आप? तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए सर। बिल्कुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, रायपुर छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, तो रायपुर जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी ये बात पहुंच चुकी है और लोग मनमोहन सिंह के क्रियाकलापों से परिचित है। माननीय मनमोहन सिंह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए सर। धन्यवाद, धन्यवाद। छत्तीसगढ़ से कॉलर हैं और आप देखेंगे कि गुवाहाटी से एसएमएस आया है, छत्तीसगढ़ से कॉल आया है, इसका मतलब देश के उन क्षेत्रों में जहां पर कि दिल्ली की घटनाओं को पहुंचने में वैसे समय लगता है, मनमोहन सिंह के सारे कर्तव्यों को पहुंचाया गया। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम अब नजर डालते हैं दूसरे एमएमएस पर, क्या कहता है। नैतिकता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना ही चाहिए, क्योंकि जितने बड़े घोटाले हुए हैं अभी तक, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम हुआ और कॉमनवेल्थ के गेम्स में भी काफी घोटाला हुआ है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना ही चाहिए, क्योंकि ये इसके इसमें उन्होंने कुछ कार्रवाई भी अभी तक नहीं की। और जैसे कि आपने देखा हुआ, ए राजा को भी काफी टाइम बाद सजा हुई थी, उसमें भी इन्होंने जल्द से जल्द कुछ एक्शन नहीं लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना ही चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और नमस्कार चौहान साहब, नमस्कार, मैं कुलभूषण शर्मा बोल रहा हूँ मोदी नगर से। बोलिए कुलभूषण जी, क्या कहेंगे। हाँ चौहान साहब, वास्तव में आज का विषय बहुत सटीक लिया है आपने, और इसको आप जैसे ही प्रहरी, राष्ट्र के प्रहरी जो है ये उठा सकते हैं। वास्तव में ये तो बड़े उसकी शर्म की बात है, प्रधानमंत्री ही क्यों, संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिए इस पर, ये छोटा मैटर नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एंगल दिया है इसको। इधर उधर की बातें करके सरकार जो है ये लगा, ये टाइम पास कर रही है अपना, ये दिखा रही है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ कर नहीं रही है। जब ये जनता के वोट द्वारा चुने गए हैं तो इन्होंने शपथ भी तो ली होगी, इसको राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रतिनिष्ठा की शपथ होती है, न कि सिंहासन के प्रति। आधुनिक महाभारत में फिर पिता में भीष्म की गलती को दोहरा दिया गया। यदि इन्हें पद पर रहना है तो भ्रष्टाचार में, महंगाई से आम आदमी परेशान है, न कि उच्च वर्ग जो करोड़ों में ही नहीं अरबों के घोटालों में शामिल है, जो रोजाना मजदूरी करके पेट भरते हैं, उनके लिए इतना इंतजार वो लोग नहीं कर सकते। ये तो टाल देते हैं, आगे कमीशन बैठा देते हैं, समितियां बैठ जाते हैं। अब ये स्पष्ट है कि आम आदमी के भ्रष्टाचार की सीमा कितनी रुपए है, इनको निश्चित करना चाहिए। जैसा बजट में इन्होंने ये कहा कि टैक्स इतने पर लगता है, सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने तक का भ्रष्टाचार आम आदमी कर सकता है, क्योंकि रोक नहीं पा रहे हैं, ये नई बात है। बिल्कुल, धन्यवाद, धन्यवाद। माई ड्यूटीज एज प्राइम मिनिस्टर।